बेल आइकन को दबा देना हाँ, ताकि जब अगली वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हे गाइस, वेलकम टू सुपर सुपलेकर। मैं हूं कुणाल सुपलेकर और आप सबका स्वागत है आज के ब्लॉग में। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आप अपना अगला वीडियो कब ला रहे हो गिनी पिग से रिलेटेड, तो वो वीडियो आ चुका है। मैं जल्दी हाउ टू बात हुआ गिनी पिग, हाउ टू टेम हुआ गिनी पिग पे वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे फैमिली में एक नया मेंबर आया है। सो गाइस, दिस इज द न्यू फैमिली मेंबर जिसका नाम है टिल्लू। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रखा है कि जेरी हैज बीन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, तो ये ही उसका चाइल्ड है। एक्चुअली जेरी ने दो बेबीज को जन्म दिया था, उसमें से एक सर्वाइव नहीं कर पाया और एक आज बहुत फिट है, फिडल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्वीट है, बहुत हैंडसम भी है और इसका पिंक कलर का एक कान भी है। तो जो पहला बेबी जो मर गया और इसका पिंक कलर का जो इसका पिंक कलर है, इसका कारण ये है कि जब जेरी प्रेगनेंट थी तो उसने बहुत बड़े हाइट से जंप मारी, जिसके कारण उसके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है और एक गिनी पिग समझ के अंदर ही मरा और दूसरे को ये प्रॉब्लम आई। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये केस है, बहुत रेयर ब्रीड है, मतलब बहुत रेयर होता है गिनी पिग को ऐसा कलर मिल सकता है। बाद में अगर आपने जेरी को देखा होगा, ठीक है, जो अभी पानी पी रही, इसका जो है ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये ब्लैक कलर इसको मिला टिल्लू को इधर, और टॉम के तो कोई कलर इसको नहीं मिला। अगर इसका पूरा जो पिंक कलर का शेड, अगर पिंक कलर नहीं होता, ठीक है, ये स्किन कलर है उसका, तो इसके यहाँ पर ये कलर होता जो ब्राउन कलर, तो ये जनरली जेरी जैसे ही दिखता लेकिन उसका लुक थोड़ा अलग रहता। ये एक्चुअली एक मेल है, ठीक है, ये मेल है और इसकी जो हेयर की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है। तो इसको अभी 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने के बाद इसकी ग्रोथ देख सकते हैं बहुत अच्छे है। अभी 1 साल के बाद ये और अच्छा दिखेगा, अभी इनको तो 1 साल हो गया। जो एवरेज गिनी पिग होता है उनको वेट होता है 500 ग्राम, लेकिन अगर आप मेरे घर पे अगर आप इसको वेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.5 kg का हो चुका है। इसकी मतलब इसका वेट बहुत बढ़ चुका है, ये बहुत खाता पीता है उसकी वजह से, और इसका वेट तो 500 ग्राम है, मतलब ये 650 के अराउंड हो चुका है। लेकिन इसका वैसा नहीं है क्योंकि ये अभी बॉर्न हुआ है। आपको मतलब लग के ताजुब होगा कि इतना, मतलब अभी का ये बेबी इतना बड़ा कैसे दिख रहा है। देखिए 4 महीने हो गए और गिनी पिग की जो ब्रीड होती है वो जल्दी उनकी ग्रोथ होती रहती है। जब गिनी पिग बेबीज की स्पेशलिटी कि जब वो बॉर्न होते तब से वो चलना, खेलना, कूदना और खाना शुरू कर देते, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपके गिनी पिग की बेबीज को उनका माँ का दूध मिले कम से कम 7 हफ्ते तक उनको मिले, 7 वीक्स तक उनको अपने माँ का दूध मिलना चाहिए। उसके बाद अगर उनका माँ का दूध नहीं मिलता है तब भी चलेगा। बाद में इनको फूड सप्लीमेंट, अगर बेबी हो तो फूड सप्लीमेंट के लिए आप उनको जो नॉर्मल चीज़ है वो दे सकते हैं खाने के लिए, जैसे कि टोमेटो, कुकुम्बर एक्सेट्रा, लेकिन उनको आप जो फूड सप्लीमेंट मैंने आपको पहले वीडियो में बोली थी वो भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या होता है ना, इससे उनके बॉडी में विटामिन सी की बहुत कमी होती है जो इससे पूरी हो सकती है। बाद में बहुत मतलब अगर सनफ्लावर सीड हो आपके पास तो वो भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स है कि भाई मेरे गिनी पिग के बाल झड़ रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। देखिए गिनी पिग का बालों का झड़ना बहुत ही नॉर्मल केस है, अगर उनके बाल गिरेंगे नहीं तो उनके नए बाल आएंगे नहीं, ठीक है, सॉरी नए बाल आएंगे नहीं। बाद में अगर आपकी गिनी पिग की बॉडी टेम्परेचर बहुत ही गर्म हो जाए गर्म सीजन में तो वो होना बहुत मतलब नॉर्मल केस है। क्या होता है, गिनी पिग के पहला जो हेयर ग्रोथ है बहुत सा होता है, ठीक है, उनके हेयर बहुत होते हैं और गर्मी के समय अगर आप उनको गर्म जगह पे रखेंगे तो उनकी बॉडी गर्म तो जरूर होने वाली, इसलिए आप उनको एक ठंडी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर हवा है। अगर आपके पास घर पे एसी है या तो आप एसी को मतलब एसी आपके घर में से तो आपका जो गिनी पिग का केज है वो वहाँ पर रख सकते हैं, और हमेशा आपके गिनी पिग को ओपन रखे जा रहे हैं उनको केज में मत रखिए, ठीक है। बाद में चलो आप बात करते हैं हमारे टिल्लू के बारे में जो नया मेंबर है। तो अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब इसमें खासियत क्या है। पहली बार खासियत ये है कि ये बहुत नखरे करता है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही शिकाने करता है, ये कभी किसी के हाथ में नहीं आता। आपको लग रहा होगा ये यहाँ पर बहुत चुप है, शांति से बैठा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा मस्ती खो यही है, ये कभी शांत बैठता नहीं और ये कभी कभी काट भी लेता है, मतलब इसको समझता नहीं, बहुत छोटा है। लेकिन टॉम और जेरी ऐसा कभी नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं किया। अब देखो मैं इसको नीचे डालता हूँ, अब देखिए क्या करेगा। देखे तब भी ऊपर आने की कोशिश करेगा ये, नहीं तो इनको तकलीफ देगा। टिल्लू की खासियत ये है कि जो इसके पैर है ना, पैर ये भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है,
बहुत सारे जो बेबीज होते हैं ना उनके पैर इतने स्ट्रांग नहीं रहते, उनको प्रॉब्लम आता है। अगर आपके पास गिनी पिग के बेबी है ठीक है, तो अवॉइड कीजिए उनको ऐसे केज में रखना। मतलब ऐसे केज मतलब ये जो ऐसे दिख रहे हैं आप, ये स्ट्रिप या स्पिनर रखिए, मतलब कोई प्लाईवुड वगैरह डाले जिससे उनका जो फुट रहेगा उस पर फुट स्टेप नहीं आए, अच्छे से वो चल पाए। बाद में और एक बात आपने देखा होगा, जब मैंने मेरे गिनी पिग का जो बेबी उसको ऊपर रखा तो मैंने इसको इस पर ही रखा क्योंकि उसको प्रॉब्लम ना होना चाहिए इसलिए। तो ये भी एक नया ब्रांड है, मतलब क्रिप्सी मुसड़ी है, इसमें भी बहुत सारे कंटेंट रहे, तो देखो ये भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। और ये कंपनी अगर वर्सेटाइल से आगा, अगर आप देख रहे हैं मैं आपका ये फ्री में ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो पेमेंट कर देना, मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उसमें अगर कोई भी डाउट हो गया, बहुत सारे डाउट्स के आंसर मैंने पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा है। अगर इस वीडियो के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई मैं नॉलेज आधी अधूरी दी है, तो वैसे कुछ नहीं है, मैंने पहले वीडियो में पूरा डिटेल में दे दिया था। बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगले वीडियो में, अगले वीडियो में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी गिनी पिग के बारे में। उसके बाद मैंने बहुत सारे पेट्स के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरा पहला गिनी पिग का वीडियो मिस किया होगा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मेरा पहला गिनी पिग का वीडियो मिल जाएगा। और एक बात यहाँ पर जल्दी फोकस देखिए, यहाँ पर ये जो चेरी है इसके अंग पे मतलब ये इसके साथ मेट करने की कोशिश करता है। अगर आपके पास गिनी पिग का बेबी है उसको 1 मंथ हो जाता है, 1 मंथ के बाद उसको अपने माँ से दूर रखिए क्योंकि उनको समझता नहीं किसके साथ रिलेशन बनाना है या नहीं। अगर ये जो गिनी पिग सेम मदर के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो उनका जो बेबी होंगे आगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है। तो हमेशा उनको नया पार्टनर ही लाए ठीक है, किसी को दे दीजिए तो जो आपको चाहिए वो करें, लेकिन हमेशा सेम मतलब सेम फैमिली को ब्रीड ना कीजिए, उससे उनको प्रॉब्लम हो जाता है, उनको वो समझता नहीं। अगर भाई बहन है या कुछ भी है हमेशा सेम ब्रीड के साथ उनकी ब्रीडिंग ना कीजिए, और हमेशा मदर और चाइल्ड का ब्रीडिंग करना कभी ना करना, कभी ना, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कभी मत कीजिए। 1 महीने के बाद आपको सेपरेट कर सकते हैं, या अगर आपके पास छोटा गिनी पिग है तो उसके लिए छोटी एक और एक मतलब मेल या फीमेल मतलब उसके अपोजिट ब्रीड अपोजिट जेंडर का लेके आइए, उसके साथ रखिए। और ध्यान रखिए कि वो किसको तकलीफ नहीं दे रहा है। अगर आपके पास 2 गिनी पिग के बेबीज है और एक बड़ा गिनी पिग है तो उनमें फाइट मतलब होती रहती है, तो मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो कॉमन है, वो कॉमनली होते रहता है। और गिनी पिग की जो बेबी होती है उनको पानी पीना बहुत पसंद होता है जब वो छोटे रहते हैं, क्योंकि उनकी जो टंग है ना उस टाइम पे बहुत ड्राई होती है और उन्हें गीला रखना बहुत पसंद है ठीक है, और कंजप्शन में उनको मदद होती है। तो हमेशा फ्रेश वाटर प्रोवाइड कीजिए, अगर आपके पास ठंडा पानी है तो वो प्रोवाइड हमेशा करिए। बाद में फूड में जो पालक है, मैंने आपको बोला था पहले बाद में कि पालक की क्वांटिटी ज़्यादा दीजिए, अब इसे भी पालक की क्वांटिटी ज़्यादा कम कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि पालक के कारण वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे गिनी पिग को देख के। आप इसको ठीक से देखिए, अभी ये इसको ब्रीड करने की कोशिश कर रहा है, इसको समझ नहीं रहा है कैसे ब्रीड करना है, लेकिन ये इसको देख देख के याद ऐसा सीख गया है। अभी इसको हम इसको अलग ही रखा है, जब इसका अलग किया जी इसका हम उसको अलग रखते हैं, अब इसके लिए एक नया पार्टनर लेके आ रहे, तो देखते हैं अब इसका क्या होता है, उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं जल्दी। बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है यहाँ पर, देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और बहुत सारे गिनी पिग के बारे में कंटेंट आपके साथ मिलकर मैं लेके आऊँगा बाद में। हाउ टू बात यू गिनी पिग, मतलब हाउ टू टेम यू गिनी पिग, अगर गिनी पिग कुछ भी होता है वो सारी वीडियो आपको लाऊंगा। उसके बाद मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मुझे पूछ सकते हैं अगर आपके गिनी पिग को कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं। एक भाई ने मुझे पूछा था कि गिनी पिग मतलब कितने महीने में बेबी देते हैं, एक्चुअली जब तक आपका गिनी पिग ब्रीड नहीं करेगा तब तक वो बेबी नहीं देगा, आपका गिनी पिग ब्रीड करने के बाद 3 महीने में बेबी दे देता है। अगर 2 महीने में बेबी दे दिया उसने तो मतलब 2 महीने में दे सकता है, लेकिन 3 महीने का ही एवरेज टाइम है, 3 महीने में बेबी दे देता है। मेरा जो गिनी पिग था जेरी थी उसने 3 महीने में बेबी दे दिया, और बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि हाउ टू मतलब कैसे समझा जाए कि आपकी गिनी पिग मतलब प्रेगनेंट है या नहीं, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो इसका पेट देख सकते हैं, ये पेट अभी एकदम नॉर्मल है, ये ओवल शेप का हो जाता है, ओवल शेप का हो गया और आपने टच करके देख लिया तो आपको समझ आ जाएगा आपकी गिनी पिग प्रेगनेंट है या नहीं। बाकी मेरा पहला वीडियो देखिए, अब कोई प्रॉब्लम हो तो वापस सॉल्व हो जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इस शैतान के लिए था, ये शैतान के बारे में, तो आखिर में आप इसको मिल सकते हैं। सो से बाय बाय, बोल बाय बाय बाय, बोल बाय। सो वी विल से बाय, इसने मुझे बहुत बहुत ही बार काटा है, लेकिन अब इसको मैं टेम कर रहा हूँ, जल्दी इसका टेमिंग का भी वीडियो आपको ला के दूंगा, ये बहुत गुस्से से सबको दिख रहा है। तो अभी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।